बल्लेबाजी कही जाएगी। 126 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाज पवेलियन आते हुए दीपक जी ने तीन से पहले ओवर लेकर चले। अभी यादव के साथ धुकिया पॉइंट के लिए में और ये बॉडी लाइन के बाहर चार रन अमित यादव के लिए। साठ पिछले ऊंचा लंबा साठ और ये बाउंड्री लाइन के बाहर बैक टू बैक बाउंड्री समय अमित यादव के शानदार मैक्सिमम पूरा साठ पिछले पूरा वैसा छह रन मोहित सिंह अमित यादव के लिए पुनः साठ पिछले लगातार तीन छक्का। चले मोहित सिंह अमित यादव के लिए पुनः अच्छी एरिए से आगे बॉडी लाइन को क्लियर कर गई चार रनों के लिए। लास्ट गेंद होगी पहले ओवर की साठ की गेंद और ये ऊंचा लंबा साठ गेंद बावन रन के बाद के रंगा चौदह देने के साठ की गेंद और समुद्र में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन। चले संजीव साठ पिच के ऊंचा लंबा साठ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। अमित यादव के लिए दो नंबर रन के साठ पिच के ऊंचा लंबा साठ और गेंद पुनः बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। इस छह रन के साथ अमित यादव का 50 रन पूरा 11 गेंद 50 रन सबसे तगड़ा आठ शतक अमित यादव के नाम रहा। चले अमित यादव के लिए साठ पिच के पूरा भाई साठ और अब की बार एरिया चेंज फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से छह रनों के लिए बेहतरीन गेंद और छह रन पूरा भाई बल्लेबाज पूरा भाई गेंद और पूरा भाई साठ लगातार छह छक्का लगाकर खेल रहे हैं अमित यादव। चले प्रदीप तिवारी अमित यादव के लिए साठ पिछले दूसरा लंबा साठ और ये बॉडी लाइन के बाहर छह रनों के लिए। चले सनी सिंह अमित के लिए बेहतरीन गेंद जबरदस्त साठ और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छह रनों के लिए स्कोर में वृद्धि स्कोर जा पहुंचा 17 गेंद पर 85 रन अभी तक बना चुके हैं अमित यादव। चले सनी सिंह अमित के लिए बेहतरीन गेंद और अच्छा साठ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। नजारा पेश करते हुए अमित यादव एक बार फिर से जबरदस्त कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को निकाला है लामबान के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए। तो इसी के साथ जा पहुंचे 19 गेंदों पर 97 रन। जी हां फास्टर सेंचुरी पूरी करेंगे आज यहां पर अमित यादव महज 3 रन दूर है अपने शतक से। तो कहीं ना कहीं अगर यहां से 20 गेंदों पर सेंचुरी लगाते हैं तो वाकई में एक बड़ा कारनामा करके जाएंगे बचा दिए हैं गेंदबाजों के अंदर। तो इसमें से जो टीम जीतेगी उसका अगला मुकाबला आरसीसी राहुल नगर से होना सुनिश्चित हुआ है और इसी के इसी बीच पूरा होता हुआ अमित यादव का 21 गेंद पर 104 रन अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं अमित यादव। बेहतरीन बल्लेबाजी दिलीप भाई कही जाएगी। जी बिल्कुल दीपक जी अगर बात की जाए पिछले वर्ष प्रफुल्ल अपने यहाँ पर सेंचुरी लगाए थे लेकिन अमित उनको भी पीछे छोड़ते हुए 21 गेंदों पर 104 रन नाबाद बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। इस कार ऊंचा लगता जाकर जो भी छक्का आता हुआ गेंद को दौड़ा इस लेग विकेट का इनका स्ट्रोक जॉन है उसी की दिशा में ज्यादा शॉट खेलते हुए एक बार फिर से गेंद को धकेला है। गेंद तेजी के साथ मिड विकेट के क्षेत्र में जा रही है और गेंद रुकेगी नहीं। जी हाँ सीमा रेखा मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है। एक बार फिर से चले प्रदीप बेहतरीन गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद पर निकाला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर छह रन के लिए। कैप्टन बसवंत और कैप्टन खेतस राय एक बार पूरा गेंद को निकाला है मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर छह रन के लिए। तो छक्के के साथ आगाज किया था और छक्के के साथ यहाँ पर समाप्त भी करेंगे। तो इसी के साथ 26 गेंदों का सामना करते हुए अमित ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कही जाएगी। 126 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाज पवेलियन आते हुए दीपक जी जो कि छोटे से फॉर्मेट में कहा जाए 6-6 प्लस मुकाबले में इतना रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए वाकई में एक देखा जाए तो करिश्मा ही कहा